तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको 500 या 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वो गिफ्ट वाउचर नहीं मिला है तो आपके मन में काफ़ी डाउट आ रहे होंगे, यार पहला यहाँ पे जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो एक्टिवेट करने के बाद पहला ट्रांजेक्शन आपको कहाँ पर करना है और कितने रुपये का करना है जिससे दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट का 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल पाए। तो ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो पहला ट्रांजेक्शन कब और कितने का करना है, साथ में कहाँ पर आपको करना है जिससे आपको गिफ्ट वाउचर मिल पाए। तो ये सभी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में ही आपको बताने वाला हूँ, अगर आप पहले ट्रांजैक्शन कर देते हो, ट्रांजैक्शन करने के कितने दिन बाद आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है और साथ में कैसे ही आप उसको क्लेम कर सकते हो, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, बनाने के बाद दोस्तों आपके घर पर वो डिलीवर हो जाता है। डिलीवर होने के बाद आपको उसका एक्टिवेट करना होता है और एक्टिवेट करने के बाद पहला ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ता है, इसके बाद ही आपको फ्लिपकार्ट का 500 रुपये गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ, तो मोबाइल की स्क्रीन फाइनली मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था वो जनवरी 2024 में किया था 5348 रुपये का। फाइनली ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर ही करा था। अगर आप चाहें तो दोस्तों आप किसी भी दूसरे मतलब कि प्लेस पर कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला ट्रांजेक्शन आपको फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर ही करना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दोस्तों उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पहला ट्रांजैक्शन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी दूसरी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम ये है, दूसरा आपका डाउट ये है कि कितने का आपको फंड मतलब कि करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कोई भी इनकी जो पॉलिसी है उनमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि पहला दोस्तों आप यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें मिनिमम कोई अमाउंट आपका मिनिमम हो, मिनिमम कोई भी अमाउंट नहीं है। फिर भी मैं मेरी तरफ से बोलना चाहूंगा कि 500 रुपए का दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन करें जिससे दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। मैंने दोस्तों जो पहला ट्रांजेक्शन इससे किया था वो 5348 का किया हुआ था। यहाँ पे आप लाइव देख पाएंगे दोस्तों 5348 का मेरे पास यहाँ पे OTP आई थी और फाइनली मैंने इसका पेमेंट भी करा हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैंने जैसे यहाँ पे यह पेमेंट कंप्लीट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे 5348 का यहाँ पे मेरी लिमिट में से ये कट भी हो चुका था। यहाँ पे आप देख पाओगे 15,000 की मेरी लिमिट थी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, मैंने 24 तारीख को यहाँ पे फाइनली जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो कंप्लीट किया था। इसके बाद दोस्तों मुझे जो गिफ्ट वाउचर मिला था वो आप देख सकते हैं, 24 के बाद 6 दिन बाद ही दोस्तों मुझे गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिल गया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे पास यहाँ पे मेल आया था रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जनवरी 30 को यहाँ पे मेल आया हुआ था। 24 जनवरी को दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया था और 30 जनवरी को मेरे पास मेल आ गया था 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है क्लेम योर 500 फ्लिपकार्ट वाउचर ऑन फर्स्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन मतलब कि जो गिफ्ट वाउचर होगा उसको क्लेम कैसे करना है, क्लेम करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको इस तरीके के मैसेज प्राप्त होगा जिसमें कि आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की लिंक मिलेगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये दोस्तों एक्सपायर हो गई क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया था। तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ये दोस्तों आपको रीडायरेक्ट कर देगी फ्लिपकार्ट पे या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, वहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली इसको आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है, अभी गाइस आप जैसे ही क्लेम कर देते हो, क्लेम करने के बाद इसको दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे मैंने क्लेम कर दिया, अभी मैं आपको फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपल सा वॉलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वॉलेट वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नीचे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों मैं आपको ट्रांजेक्शन अभी बता दूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँ व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, मेरे पास काफ़ी दोस्तों गिफ्ट वाउचर पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने दोस्तों काफ़ी यहाँ पे रेफरल वगैरह रखे हुए थे, उसके दोस्तों मुझे यहाँ पे गिफ्ट वाउचर मिला हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जनवरी 24 के बाद यहाँ पे 30 जनवरी को मेरे पास गिफ्ट वाउचर मुझे मिला हुआ था वो मैं आपको बता दूँ। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों गिफ्ट कार्ड एडिट 500 रुपये, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 500 रुपये का जो गिफ्ट वाउचर था वो 30 तारीख को मेरे यहाँ पे वॉलेट में ऐड हो गया था। जो भी आपका दोस्तों यहाँ पे गिफ्ट वाउचर रहेगा ना वो आपके फ्लिपकार्ट के वाउचर में ऐड हो जाएगा, यानी वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ये फंड आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है तो इसको आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते, बट दोस्तों आप इससे कोई प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड बनवाते हो, बनवाने के बाद एक्टिवेट करते हो,
एक्टिवेट करने के 30 दिन के अंदर उसको पहला ट्रांजेक्शन करना है, और पहला ट्रांजेक्शन आप कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पर ही करें। पहला ट्रांजेक्शन ऐसे कर दे, ट्रांजेक्शन करने के फर्स्ट वीक में यानी पहले वीक में ही दोस्तों आपको गिफ्ट वाउचर आपके यहाँ पे जीमेल आईडी पे आपको लिंक के द्वारा मिल जाएगा। जैसे वो लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करके डायरेक्टली क्लेम करोगे, वो दोस्तों आपके फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन या फ्लिपकार्ट का अकाउंट जो भी है उस अकाउंट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गाइस आपके ये पूरे डाउट क्लियर हो पाए होंगे कि कितने का आपको ट्रांजेक्शन करना है और कब करना है और गिफ्ट वाउचर कितने दिन बाद ऐड होता है। ये लाइव मैंने दोस्तों मेरे क्रेडिट कार्ड के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको ये सब करना होगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ पाओगे। अगर अभी भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इशू है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली आप फॉलो करके डायरेक्टली जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह हो वो मुझसे शेयर कर सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।